Dear student, myself Muhammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about taxonomy. आज हम लोग बात करेंगे taxonomy के बारे में. बच्चों ये taxonomy होता क्या है? तो सबसे पहले समझ लीजिए taxonomy क्या होता है बच्चों. taxonomy का मतलब होता है जितने भी हमारे world में पूरे पृथ्वी पे जितने भी organism हैं उनको स्टडी के लिए एक ग्रुप में उनको रखना ही taxonomy कहलाता है. और taxonomy वर्ड का यूज़ सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस. इन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी का वर्ड यूज़ किया था. आइए बच्चों यहाँ पे पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी होता क्या है. तो ध्यान से सभी लोग समझते चलिएगा. क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज रैंक. ओके, ऑल कैटेगरीज टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ठीक है, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. यानी सभी प्रकार के जितने भी कैटेगरी होते हैं सबका एक क्लासिफिकेशन का इकाई होता है. जैसे कि बच्चों इकाई का मतलब हो गया यूनिट, स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, फाइलम हो गया एंड किंगडम हो गया. अभी मैं सबके बारे में डिटेल से आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ पार्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सॉन. यानी कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों के समूह को एक पार्टिकुलर कैटेगरी में रखना ही बच्चों टैक्सॉन कहलाता है, यानी कि वर्गीकी कहलाता है. ठीक है, इसका प्लूरल होता है बच्चों टैक्सा. फॉर एग्जांपल क्लास मैमेलिया, जैसे मैमेलिया हो गया. मैमेलिया का मतलब होता है बच्चों स्तनधारी, जो एनिमल अपने बच्चों को मिल्क पिला सकते हैं, दूध को पिला सकते हैं, उनको हम लोग मैमेलिया कहते हैं, यानी कि स्तनधारी कहा जाता है. यहाँ पे बच्चों आप लोग देख रहे हैं कुछ टर्म्स दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला टर्म आप देख सकते हैं किंगडम दिया है, फाइलम दिया है, क्लास दिया है, ऑर्डर दिया है, फैमिली एंड जीनस एंड स्पीसीज. ठीक है, तो सबसे पहले नीचे से हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि स्पीसीज क्या होता है. ठीक है, स्पीसीज यानी कि जाति. जाति मतलब कौन से जाति का ये एनिमल है. जैसे कि मान लीजिए बंदर का जाति अलग है, इंसानों का जाति अलग है. ठीक है, लेकिन सब के सब एनिमल में ही आते हैं. उसके बाद से आता है बच्चों जीनस, कौन सा उसका जीनस है. फिर फैमिली क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ये सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे थोड़ा सा, इसको आप लोग देखते चलिए. तो आइए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हम लोग अगर बात करें, अगर इंसान का यानी ह्यूमन बीइंग का अगर हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसका होता है बच्चों होमो सेपियंस. चलिए थोड़ा सा आप लोगों को मैं नॉमनक्लेचर के बारे में भी समझा देता हूँ. नॉमनक्लेचर क्या होता है. नॉमनक्लेचर का मतलब होता है बच्चों किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पार्टिकुलर साइंटिफिक नेम देना ही नॉमनक्लेचर कहलाता है. और वो नॉमनक्लेचर की नीड क्यों पड़ी बच्चों, तो इसको प्लीज़ आप लोग केयरफुली सुनिएगा ध्यान से. नॉमनक्लेचर का नीड इसलिए पड़ा बच्चों क्योंकि इस पूरे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी बच्चों जीव हैं, इन सभी जीवों को, सभी ऑर्गेनिज्म को हर जगह पे, हर देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है. जैसे कि मैं बात करूँ गौरैया चिड़िया के बारे में, तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया में, हमारे भारत में उसको गौरैया चिड़िया कहा जाता है. ठीक है ना, जिसकी आज संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है. अब चले जाएंगे इंग्लैंड में बच्चों, अगर आप इंग्लैंड में चले जाते हैं तो इंग्लैंड में इसको बच्चों स्पैरो के नाम से जाना जाता है. ध्यान से समझिएगा, स्पैरो के नाम से जाना जाता है. अब चले जाएंगे जापान में, तो जापान में बच्चों इसको सुजून के नाम से जाना जाता है. गौरैया चिड़िया को सुजून के नाम से जाना जाता है. मतलब एक ही एनिमल को बच्चों, एक ही ऑर्गेनिज्म को सभी देशों में अलग अलग नामों से जाना जा रहा है. उन सभी नामों को बच्चों हटाकर एक नाम दिया जाता है जिसको बाइनोमियल नॉमनक्लेचर कहते हैं. इसको दिया कौन था, तो कैरोलस लीनियस ने दिया था. इन सभी नामों को हटा के जो स्पैरो बर्ड है यानी गौरैया जो चिड़िया है बच्चों, इसका नाम ये सब हटा के, यानी वर्ल्ड में जितना भी नाम है इन सभी नामों को हटा के एक नाम दिया जाता है जिसको साइंटिफिक नेम कहते हैं. और स्पैरो का साइंटिफिक नेम होता है बच्चों पैसर डोमेस्टिका. याद रखिएगा बच्चों पैसर डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम होता है. ठीक है ना, इसका साइंटिफिक नेम होता है. और साइंटिफिक नेम लिखने का एक तरीका होता है बच्चों,
साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका ये होता है कि जो आप पहला लिखे हैं पैशर वर्ड, ये पैशर वर्ड जीनस होता है, और जो डोमेस्टिका आप लिखे हैं ये एक तरह का स्पीसीज का वर्ड होता है। यानी एक होता है जीनस, एक होता है स्पीसीज, ये दोनों को मिला के हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहेंगे। और बच्चों ध्यान दीजिए, पैसर डोमेस्टिका, इसमें जो लिखा जाता है जीनस का पहला नेम वो कैपिटल लेटर में होता है, और स्पीसीज का सारा नेम जो होता है स्मॉल लेटर में होता है। और उसके बाद से बच्चों लिखते समय क्या करते हैं, उसके नीचे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो अंडरलाइन इसके नीचे कर देंगे, ठीक है बच्चों, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। ये साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका होता है, या तो उसको लिखते समय आप थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, ये साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका होता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, अगर ह्यूमन का आ गया बच्चों, मनुष्य का आ गया, तो मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या होता है आइए समझते हैं, और इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों इसका किंगडम क्या होगा, एनिमल, यानी कि इसका जगत जो होगा वो जंतु होगा, जंतु जगत का होगा। फाइलम या डिवीजन, संघ इसको बोलते हैं बच्चों, संघ कॉर्डेटा होगा। बच्चों कॉर्डेटा का मतलब होता है जिनके शरीर के अंदर हड्डियाँ पाई जाती हैं उन्हें कॉर्डेटा में रखा जाता है। क्लास, क्लास मतलब कौन से वर्ग में रखा गया है, तो बच्चों मैमेलिया, मैमेलिया का मतलब होता है स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है गढ़, कौन से गढ़ में रखा गया है, तो प्राइमेट, प्राइमेट, प्राइमेटा का मतलब होता है बच्चों जैसे मान लीजिए दो पैरों पे चलने वाले जीव हैं, ठीक है, प्राइमेटा हो गया। फैमिली यानी कि इनका कौन कौन सा फैमिली है, ठीक है, तो फैमिली में अगर आप लोग देखेंगे तो ये होमोनिडी में रखा जाता है। जीनस जो है इसको होमो में रखा गया है, होमो का देखिए पहला लेटर जो होता है कैपिटल में है, और स्पीसी जो आप देखेंगे ये है सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। और बच्चों साइंटिफिक नेम लिखते टाइम आप थोड़ा सा देख लीजिए, साइंटिफिक नेम लिखते टाइम होता क्या है, इसके नीचे एक अंडरलाइन ऐसे कर देते हैं, तभी माना जाएगा कि ये साइंटिफिक नेम है, अदरवाइज ये साइंटिफिक नेम नहीं माना जा सकता है। जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पर देखिए मैंगो के बारे में, तो आइए मैंगो और सभी तरह के जितने भी हैं और भी फ्रूट्स उनके बारे में हम लोग बात करते हैं क्या क्या होता है। पहले तो ये समझ लीजिए, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्पिनिंग, इट इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी, ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होता है, यानी स्पीसीज होता है सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होता है, ठीक है ना, यानी इस पूरे किंगडम फाइलम इन सबसे मिला के सबसे छोटा कैटेगरी स्पीसीज का होता है, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी। जैसे कि मान लीजिए मैंगो है, तो मैंगो का बच्चों जो आप स्पीसीज नेम देखेंगे, जो स्पेसिफिक नेम देखेंगे, ये इंडिका जो दिया है, या मान लीजिए पोटैटो का ट्यूबरसम दिया है, और नीशेट का दिया है नाइग्राम, नीशेट का मतलब होता है बच्चों बैंगन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए टोमेटो का दिया है यहाँ पर लाइकोपर्सिकम, ब्रिंजल का दिया है मेलेंगेंट, और लायन का दिया है लियो, टाइगर का दिया है टिग्रीस, लेपर्ड का दिया है पॉर्डस, और मैन का दिया है सेपियंस। यानी कि जितने भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी के सभी स्पीसीज के नेम हैं, और इधर आप जो देख रहे हैं ये सभी के सभी जेनेरिक नेम है, यानी जीनस का नाम है। इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो देखेंगे तो इसमें बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर मैंगो का स्पीसीज और जीनस अगर आप देखेंगे तो किस तरह से होगा। मैंगो का देखिए मैंजीफेरा इंडिका, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए, या देखिए थोड़ा सा कर्सिव में लिखा गया है, थोड़ा तिरछा करके लिखा गया तब भी सही है। पोटैटो का देखेंगे तो सोलेनम ट्यूबरसम, इसको आप तिरछा करके लिख दीजिए, ठीक है। नेट सेट का क्या होता है, सोलेनम निग्रम, ठीक है। टोमेटो का सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ब्रिंजल का सोलेनम मेलेंगेना, लायन का पैंथेरा लियो, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, लेपर्ड का क्या होता है बच्चों, लेपर्ड का होता है पैंथेरा पार्डस, और मॉडर्न ह्यूमन का क्या होता है होमो एंड सेपियंस, ठीक है। तो जितना आप इधर वाला नाम देख रहे हैं ये सब के सब स्पीसीज का नाम है, यानी कि यही स्पीसीज कहलाता है, ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे जीनस के बारे में। तो आइए जीनस जो होता है जस्ट इसके ऊपर होता है, यानी स्पीसीज के जस्ट ऊपर होता है, उसको जीनस कहेंगे। अब जीनस में आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे पोटैटो आप देख रहे हैं, तो जीनस यहाँ पे सोलेनम ये आ गया, ये भी सोलेनम, ये भी सोलेनम, यानी कि ये सोलेनम जो आप देख रहे हैं इसी को जीनस कहेंगे, बाकी तो ये स्पीसीज हैं, ये सारे के सारे स्पीसीज हैं, लेकिन सोलेनम इसका जीनस है। इधर आएंगे तो जीनस में बच्चों पैंथेरा आता है, जैसे पैंथेरा लियो शेर का साइंटिफिक नेम होता है, लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस। इसी तरह से आप देखेंगे जीनस फेलिस, फेलिस का मतलब होता है जो बिल्ली होती है उसको फेलिस कहा जाता है, फेलिस इसका जीनस का नेम है। जैसे कि फेलिस डोमेस्टिका, ये बिल्ली का साइंटिफिक नेम होता है। जंगल कैट का होता है फेलिस कैनस,
हेलिसकाउस, ठीक है ना, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। जस्ट आफ्टर दिस अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अब फैमिली के बारे में। फैमिली क्या होता है? तो फैमिली में आप देखेंगे फैमिली सोलेनेसी फैमिली होता है, फैलेडी फैमिली होता है, और भी बहुत सारी फैमिलियाँ होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जीनस जो है सोलेनम, ठीक है, सोलेनेसी से लिया गया है। यहाँ पे देखेंगे जीनस जो होता है पेट्यूनिया, डटूरा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पैंथेरा, फेलिस, ये सब जीनस है, लेकिन इसका फैमिली क्या है? फैलेडी है। इसका फैमिली क्या है? तो सोलेनेसी है। मतलब कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी जीनस के समूह को, जीनस के समूह को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? तो फैमिली कहेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर यानी कि गण के बारे में बात करेंगे। अब गण क्या होता है बच्चों? तो ऑर्डर जो होता है पॉलीमोनियल्स होता है, एंड ऑर्डर जो होता है कार्निवोरा होता है, ठीक है। अब ऑर्डर में क्या होता है, देखिए इट इज द असेंबल ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, यानी कि जो फैमिली था, फैमिली के हम लोग पूरे समूह को ऑर्डर कहते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसको एक बार और समझा दे रहा हूँ, ठीक है। फैमिली के जो ग्रुप होता है उसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं, यानी फैमिली के समूह को ऑर्डर यानी कि गढ़ कहेंगे। ये दोनों गढ़ है बच्चों, ये गढ़ हो गया। अब जस्ट इसके बाद से नीचे आप देख रहे हैं ये सभी पार्ट जो हैं, ये फैमिली के पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये सभी फैमिली के पार्ट हैं। जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे ऑर्डर के बाद से बच्चों, क्लास। अब क्लास जो आप देख रहे हैं ये भी क्या होता है? इट इज़ अ असेंबली ऑफ द रिलेटेड ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर के पूरे समूह को हम लोग क्लास कहते हैं, वर्ग कहते हैं, यानी गढ़ के समूहों को वर्ग कहा जाता है। जैसे कि वर्ग डाइकोटिलेडॉन्स, ठीक है, और वहाँ पे देखेंगे आप क्लास मैमल्स, ये सब क्लास होता है। मैमल्स मतलब होता है स्तनधारी, डाइकोटिलेडॉन्स मतलब डाइकोट के अंदर जितने भी प्लांट आते हैं ये सब के सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और ये सब आपका ऑर्डर दिख रहा है, इसके समूह को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? वर्ग, यानी गढ़ के समूह को वर्ग कहा जाता है। जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे बच्चों फाइलम या डिविजन। फाइलम का मतलब होता है संघ। अब संघ बच्चों यहाँ पर देखेंगे इट इज़ अ असेंबल ऑफ रिलेटेड क्लासेज, ये वर्ग के क्लास को हम लोग संघ कहते हैं। इन केस ऑफ प्लांट रिलेटेड क्लास आर फॉर्म डिवीजन, ठीक है ना, इसमें डिवीजन में भी बांटा जाता है। जैसे डिवीजन एंजियोस्पर्म, यहाँ पे देखेंगे तो फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, इधर डिवीजन होगा प्लांट में, इधर होगा फाइलम, ठीक है। तो आप देखेंगे क्लास डाइकोटिलेडॉनी, ठीक है, एंड क्लास मोनोकोटिलेडॉनी। यहाँ पे देखेंगे क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, ठीक है, ये सब क्लास है। तो क्लास के वर्ग को यानी पूरे आप देखेंगे क्लास यानी वर्ग के समूह को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे आप फाइलम कहेंगे, संघ कहेंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वर्ग के समूह को हम लोग डिविज़न भी कह सकते हैं। जस्ट इसके बाद से अब आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों आता है किंगडम। किंगडम जो होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। तो देखिए इट द असेंबलीज ऑफ रिलेटेड फाइलम एंड डिवीजन, यानी कि फाइलम और डिवीजन यानी कि संघ के समूह को हम लोग जगत कहते हैं। जैसे कि ये सब के सब संघ है, इसको जगत कहेंगे। इसमें प्लांटी अलग आता है, एनिमल अलग आता है, ठीक है। ये पूरे आप देखेंगे संघ के समूह को हम लोग जगत कहते हैं, यानी फाइलम के पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? किंगडम कहेंगे। जस्ट इसके बाद से आप देखेंगे जैसे कि एनिमल का हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगर साइंटिफिक नेम लिखना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग को टाइगर का साइंटिफिक नेम लिखना है तो किंगडम क्या होगा? एनिमल, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली जो होता है फैलेडी, और जीनस जो होता है पैंथेरा, एंड स्पीसीज जो होता है टिग्रिस। अब देखिए यहाँ पे जाति के समूह को वंश कहते हैं, वंश के समूह को हम लोग फैमिली कहेंगे, फैमिली के समूह को बच्चों गढ़ कहेंगे, गढ़ के समूह को वर्ग कहेंगे, वर्ग के समूह को संघ कहेंगे, संघ के समूह को जगत कहेंगे यानी कि किंगडम कहेंगे। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, ये सबसे जगत जो होता है बड़ा होता है, ठीक है, और उसके नीचे होता है उससे छोटा फाइलम होता है, उससे छोटा होता है क्लास, उससे छोटा होता है गढ़, उससे छोटा होता है फैमिली, उससे छोटा होता है जीनस, और सबसे छोटा होता है बच्चों स्पीसीज। इस तरह से आप देख सकते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है बच्चों। जस्ट इसके बाद से अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, सभी के सभी साइंटिफिक नेम को आप सभी लोग एक बार याद कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन सा साइंटिफिक नेम है तो आइए एक बार हम लोग फिर से इसको समझते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बायोलॉजिकल नेम मैन का होमो सेपियंस, इसमें जीनस क्या होगा तो होमो, और प्राइमरी होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेट, क्लास मैमेलिया,
और आपका फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा, ठीक है। उसी तरह से हाउस फ्लाई को देख सकते हैं, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। इस सबको आप लोग मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका, वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम, ऐसे सबका आप लाइन बाय लाइन आप करके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बहुत जल्द बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।